रीवा और सवी के बीच में फाइनली किसे चुनने वाला है ईशान, क्या होगा उसका फैसला? वेल, आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के नए प्रोमो ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि ईशान ने सारी सच्चाई रीवा की जगह सुरेखा को बता दी। अब कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स धमाके के साथ आएंगे। चलिए बताते हैं ईशान का क्या फैसला होगा। वेल, आप तो जानते हैं ईशान अब जो सभी से प्यार करने लगा है। जब जब रीवा उसे कुछ बोलती हुई नजर आ रही है तो सिर्फ उसे सभी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जब वो अपनी शादी के कपड़ों को डिसाइड करने गया तब उसे रीवा की जगह जोड़े में सभी नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं सभी को देखकर ईशान इतना खुश था कि क्या ही कहें। ऐसी स्माइल तो उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखी, लेकिन आज सभी को देखकर वो बेहद खुश था क्योंकि सभी उसकी दुल्हनिया के रूप में नजर आ रही थी। वहीं बात करें हम रीवा की, रीवा बहुत खुश है क्योंकि यहाँ रीवा जो है वो अकेले अंदर खड़ी होती है जहाँ पर ईशान से बात करती है। ईशान बाहर खड़ा है, ट्रायल रूम से रीवा बात कर रही है। रीवा शादी के जोड़े में नजर आ रही है। वो कहती है, ईशान इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन पाई थी। इतने सारे सपने थे लेकिन सारे सपने टूट गए थे। बाहर ईशान खड़ा है जो कि बेहद परेशान है। ईशान को समझ में नहीं आ रहा कि वो रीवा को किस मुंह से बताए कि अब फिर से उसके सारे सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि अब फिर से वो सभी से शादी करने वाला है। आप देख सकते हैं ईशान की आंखों में आंसू है। वो बहुत ही बेचैन और घबराया हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो यही सोच रहा है कि रीवा को सारी सच्चाई कैसे बताए, कैसे रीवा के सारे सपने एक पल में तोड़ दी। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं पर रीवा जो है वो तो भाई बहुत ही ज्यादा पागल हुई जा रही है। रीवा की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन अब ईशान जो है सबकी खुशियां छीनता हुआ नजर आएगा। ईशान ने सोच लिया है कि अब वो सबको सब कुछ बता देगा। अब वहीं पर आप देखेंगे ईशान को लगता है कि पर्दे के पीछे रीवा खड़ी है, लेकिन वहां सुरेखा होती है और ईशान सुरेखा से सारी अपनी बातें बता देता है कि कैसे अब वो सभी से प्यार करने लगा है। सभी के अलावा उसे कोई नहीं चाहिए, सभी से उसे शादी करनी है। इन चीजों के लिए ईशान माफी मांगता है, लेकिन जब सुरेखा सामने आती है तो सुरेखा काफी ज्यादा बौखला जाती है। वहीं बात करें भंवर की तो आप देख सकते हैं भंवर किस तरह से पागल हो जा रहा है। वो शुक्ला से पूछता है, ए शुक्ला तुम मुझे बताओ ये इतने सारे पौधे कहाँ से आए? तो वहीं पर शुक्ला जी कहते हैं कि सभी को पौधे बहुत पसंद है। अब आप देखेंगे कैसे सभी के लिए बहुत सारे पौधे जो है लोग लेकर आ रहे हैं। सभी पूछती है कि ये पौधे कहाँ से आए, तभी भंवर आता है और कहता है मुझे पता चला कि आपको पौधे पसंद है तो मुझे लगा कि आपको पौधे देने चाहिए। हालांकि सभी भी हैरान है भंवर के इस बिहेवियर से, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा ईशान का क्या फैसला होगा। आप क्या कहना चाहते हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।